किचन आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड रोल। ब्रेड रोल के लिए हमने 3 आलू उबाल लिए हैं, अब हम इनको मैश कर लेते हैं। हमने अपने आलू जो है मैश कर लिए हैं, आप चाहें तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें आधी कटोरी जो है पनीर डालेंगे, ये मैश किया हुआ पनीर है, ये ऑप्शनल है। अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, आधा हमने प्याज जो है बारीक बारीक काट लिया हुआ है इसको भी डाल देंगे, 1 टीस्पून भुना पिसा जीरा और 1 टीस्पून जो है हम चाट मसाला पाउडर डालेंगे। हरी मिर्ची हमने बारीक बारीक काट ली है इनको भी डाल देंगे। इसमें हम नमक 1 चम्मच डालेंगे, आप चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इनको हम हाथ से मिला लेंगे। हमारा आलू मैश बनके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब हमने 6 पीस लिए हुए हैं तो हम इसके 6 रोल बना के रख देंगे इस तरह से। इस तरह से सारे बना देंगे। हमने फिलिंग के लिए रोल तैयार कर दिए हुए हैं और तब तक हम अपना ऑयल भी गर्म करने रख देंगे। अब हम ब्रेड की साइड्स काट देंगे। ब्रेड की साइड्स जो है काट ली है हमने। अब हम ब्रेड को जो है सिर्फ पानी में डिप करेंगे और एकदम से निकाल लेंगे, बस इस तरह से डालेंगे, इसको ज़्यादा देर नहीं रखेंगे और इस तरह से इसको निचोड़ लेंगे, इससे ब्रेड नरम हो जाएगी और फ्लैट भी हो जाएगी इस तरह से। अब इसमें हम अपनी फिलिंग डालेंगे इस तरह से और इसको बंद कर देंगे। इस तरह से इसको अच्छे ढंग से रोल बना लो। गरम तेल में डाल देंगे। तेल हमारा बिल्कुल गरम होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी तेल गरम नहीं होगा तो ब्रेड जो है सारा तेल पी जाएगी। हमने 6 के 6 रोल बना के तैयार कर दिए हैं। अब हम इसको गरम तेल में डालेंगे। अब हम इसकी फ्लेम जो है मीडियम हाई कर देंगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इसमें अपना रोल डाल देंगे। अब इसको पलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। इसको 1 से 1.5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको। देखिए अच्छे बन के तैयार हो रहे हैं हमारे ब्रेड रोल। बन के तैयार हो गए, अब हम इनको निकाल लेंगे इस तरह से ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं जी। हमारे गरम गरम कुरकुरे कुरकुरे ब्रेड रोल तैयार हैं। इनको आप हरी चटनी सॉस वगैरह किसी भी चीज़ के साथ खाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।